नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, बात करते हैं अपने पशु परिचर भर्ती 2023-24 के बारे में। एनिमल अटेंडेंट भर्ती जो है साथियों, 5,934 पदों पर देश की घोषणा हुई थी और इसकी विज्ञप्ति आना बाकी है। और विज्ञप्ति कब आएगी इसकी छोटी सी न्यूज़ हमें प्राप्त हुई है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। छोटी सी न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो साथियों, जो पशु परिचर भर्ती है वो 5,934 पदों पर आएगी और इसमें योग्यता जो है 8वीं पास करके वो 10वीं पास कर दिया गया है। यानी कि पहले 8वीं पास था, उसको बदल कर 10वीं पास कर दिया गया है। और कई सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और न्यूज़ जो खबर मिली है, सूचना मिली है, उसके अनुसार ये है कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में, यानी कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना बता जा रही है। पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, विज्ञप्ति जारी होगी अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में। इसकी संभावना है फर्स्ट वीक में जारी होगी 5,934 पदों पर, जिसकी योग्यता जो है 10वीं पास है। और सिलेबस जो है, वन पाल वन रक्षक का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग है। और इसमें एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ये आपके भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है साथियों, तो अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में ये इस भर्ती के विज्ञापन आने का पूरी संभावना है, विज्ञप्ति आने की। और इसके अलावा अक्टूबर महीने यानी कि 6 या 7 तारीख के बाद में, अक्टूबर महीने में जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले जितने भी भर्ती है वो आने की पूरी संभावना रहेगी, जो भी पेंडिंग में चल रही है वो। और जितनी भी भर्ती आनी है वो अक्टूबर महीने में क्लियर हो जाएगी। और पशु परिचर जो एनिमल अटेंडेंट भर्ती है वो आपके फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। ठीक है साथियों, ये छोटी सी न्यूज़ थी पशु परिचर भर्ती से लेकर। और आपके अगर कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके बताएं, जिसके जवाब जो है, सवाल जो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करके बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।